हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने पेन ड्राइव की या मेमोरी कार्ड में जो फ़ोटो आपने डिलीट कर दी है या गलती से डिलीट हो गई है, आप उसे वापस कैसे ला सकते हैं। तो आप ये वीडियो अंत तक देखते रहिए, मैं आपसे इसी के बारे में बात करूँगा। होता यह है कि कभी कभार हम गलती से कोई फाइल डिलीट कर देते हैं और इससे काफ़ी हमें परेशानी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना होगा और यहाँ पे सर्च करना होगा वंडरशेयर डाटा रिकवर और इंटर करना होगा। जब आप ये टाइप करके इंटर करेंगे तो ये आपको इसकी वेबसाइट पे ले जाएगा। ये देखिए पहली साइट है, चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद सिंपली हमें इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना होगा। तो ये आपको विंडोज़ और मैक दोनों के लिए मिल जाएगा। आप मैक के लिए या विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी आपका पीसी है। तो चलिए विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लेते हैं। ये देखिए लगभग 1 MB की फाइल है। ये इंस्टॉलर है। इंस्टॉलर के बाद आपको थोड़ा और नेट चाहिए इसे इंस्टॉल होने में पूरा। तो चलिए मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए मैं इसे काट देता हूँ। और अब इसकी स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। ये इन सब चीज़ों को सपोर्ट करता है, जैसे लैपटॉप पीसी और मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव और हार्ड ड्राइव। ये सब इस सब से आप अपने लॉस फाइल को रिकवर कर सकते हैं। अब थोड़ा और नीचे आते हैं और देखते हैं कि ये क्या क्या आपका रिकवर कर सकता है, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट्स में जो भी ये टाइप हैं ये सब रिकवर कर देगा। इमेज, वीडियो, ऑडियो और ईमेल वगैरह, ये सब आपका रिकवर कर देगा अगर आपने गलती से डिलीट कर दिया है। सिस्टम रिक्वायरमेंट कुछ नहीं है, लगभग सारे पीसीज में चल जाएगा चाहे जितना रैम हो, और काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है। चलिए हम इसे इंस्टॉल करते हैं। मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए मैं सीधे इसे ओपन करूँगा। आप इंस्टॉल कर लीजिए और इंस्टॉल करने के बाद ओपन करते हैं इसे। ये देखिए ओपन होने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। आप यहां से कुछ भी, जो भी आपने डिलीट कर दिया है, उसे वापस ला सकते हैं, जैसे कि फ़ोटोज़, ऑडियो, वीडियो और बहुत सारी चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट्स और ईमेल। तो चलिए मैं वीडियो पे क्लिक कर देता हूं और नेक्स्ट कर देता हूं। अब ये ऑप्शन है कि आपने कहाँ से वो फाइल डिलीट की है या आप कहाँ से रिकवर करना चाहते हैं अपनी लॉस फाइल। तो कहीं से भी मैं कर देता हूँ, जैसे न्यू वॉल्यूम डी और फिर नेक्स्ट। अब ये सर्च कर रहा है कि कितनी फाइल्स यहाँ से डिलीट हुई हैं। तो ये देखिए लगभग 200 कुछ फाइल्स हैं जो कि यहाँ से डिलीट हुई हैं और आप इसे रिकवर कर सकते हैं। इसमें काफ़ी अच्छी बात यह है कि ये ऑप्शन में देता है कि आप जिससे आसानी से ढूंढ सकते हैं कि आपने कौन कौन सी फाइल डिलीट की हैं, जैसे AVI, MP4 और बहुत सारे फॉर्म। तो ये देखिए ये कुछ फाइल्स हैं जो कि यहाँ से डिलीट हुई हैं। अब हम चलिए देखते हैं कैसे ये वापस आएंगी। और ये देखिए ये कंडीशन है कि आपकी फ़ाइल किस कंडीशन में है, गुड, बैड या फिर पुअर। तो अगर गुड होगी तो वो बहुत जल्दी अच्छे से रिकवर हो जाएगी, और अगर बैड होगी तो थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। जैसे चलिए मैं एक फ़ाइल रिकवर करके देख लेते हैं। तो अब ये ऑप्शन आपको चूज करने के लिए कहेगा कि आप कहाँ पर अपनी फ़ाइल रिकवर करना चाहते हैं। मैं कोई भी लगा देता हूँ और सिंपली रिकवर पर क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए अब हमारी फ़ाइल रिकवर हो रही है, लगभग 550 MB की फ़ाइल है। शायद कोई मूवी है जो मैंने डिलीट कर दी है पहले, वही है। तो अब ये रिकवर हो रहा है। रिकवर होने के बाद विंडो ओपन हो जाएगा नया और हमें दिखाएगा कि फ़ाइल रिकवर कहाँ हुई है, और मैं आपको चला के भी दिखा दूँगा कि कैसे डिलीट फाइल फिर से वापस आ गई है, रिकवर हो गई है। तो चलिए हो गया, ओके क्लिक कर देते हैं। और ये देखिए नया विंडो ओपन हो गया। तो फाइल को चलिए ओपन करते हैं और ये देखिए जो मूवी थी वो चलने लगी। तो इस तरह से आप अपनी लॉस फाइल्स को रिकवर कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अगर आपने गलती से कोई फाइल डिलीट कर दिया है तो इसे वापस कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, पर ये एक पेड सॉफ्टवेयर है, आपको इसे परचेज करना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।